मेरा होतन स्वदेशी, मेरा होमन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रामाश्रय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे स्वदेशी के बारे में कि क्या स्वदेशी है और क्यों हमें स्वदेशी उपयोग करना चाहिए, और स्वदेशी का उपयोग करने से हमें, हमारे समाज व हमारे राष्ट्र को क्या लाभ होता है, इसके बारे में बहुत छोटे से वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो मित्रों, जो गांव से बना हो, यानी मैं आपको बताने वाला हूं क्या है स्वदेशी। जो गांव में बना हो, जो गांव में खपा हो, जो गांव को बसाए वह काम है स्वदेशी। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी। जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह चीज है स्वदेशी। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी होवे मेरा कफन स्वदेशी। तो आपने समझा स्वदेशी क्या है। जो हमारे गांव से लिया हो और गांव में खफा हो, जो गांव को बसाए, ऐसा काम स्वदेशी होता है। तो कैसे हमें, जो एक स्वदेशी के रूप में हम कैसे अपने आप को पूरे राष्ट्र के साथ, अपने राष्ट्र को हम शिखर पर ले जा सकते हैं आर्थिक रूप से। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाना चाहूंगा कि जैसे हमारा भारत देश है, आपने सुना जरूर होगा, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण क्या है और आज ये किसकी चिड़िया कहा जाता है, ये आप समझ रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की चिड़िया, चोरों, तो ये ऐसे ऐसे शब्द भी लोग बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा देश आज भी चरित्रवान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा देश सोने की चिड़िया था, कारण क्या था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हमारा देश सोने की चिड़िया था इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता था कि सभी जो लोग थे हमारे गांव के, वो गांव की वस्तुओं का उपयोग करते थे। जैसे गांव में ही आपका एक व्यक्ति ऐसा होता था जो साबुन आदि को बनाता था, कोई गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता था जो मंजन को बनाता था, कोई ऐसा व्यक्ति था गांव में जो कपड़े की बुनाई करता था केवल, कोई ऐसा व्यक्ति था जो कपड़े की सिलाई करता था, कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो सब्जी बनाता था, यानी सब्जी बेचने का काम करता था, सब्जी उगाता था। तो इसी प्रकार से कोई बाल काटने वाला गांव का होता था तो जो अपना बाल काटता था गांव के लोगों का। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर सभी व्यक्ति जिनके पास कोई ना कोई रोजगार था, अपना काम था, अपनों के लिए काम था, वो अपने लोगों का काम करते थे। तो एक दूसरे का, सब्जी वाले की, गांव के लोग सब्जी खाते थे, वो प्रसन्न था, उसका व्यापार चलता था, धनवान था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। मंजन वाले का मंजन चलता था गांव में, सब खरीदते थे, बेचते थे, जिससे उसका व्यापार बढ़िया चलता था। इसी प्रकार से कपड़े वाला जो बुनाई करता था, उसके कपड़े लोग खरीदते थे और कपड़ा बिकता था, व्यापार चलता था, जिससे उसका जो आर्थिक समस्याएं हैं वो नहीं होती थी। और इसके साथ साथ लोग चरित्र से भी गलत नहीं होते थे, क्योंकि जब हमारे पास काम है तो हम चोरी नहीं करेंगे, हमारे पास काम है अच्छे तरीके से, हम भ्रष्टाचार की ओर नहीं जाएंगे। तो मित्रों, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हमारे देश में गरीबी आई, लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया, भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। देखो, तीन समस्याएं देश की सबसे बड़ी, बेरोजगारी, चोरी और गरीबी। चोरी के अंतर्गत भ्रष्टाचार आ जाता है। तो ये जो तीन सबसे बड़ी समस्याएं, ये कहां से उत्पन्न हुई और कैसे खत्म हुई, इसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। तो क्या हुआ कि हम संपन्न थे, अब वो ऐसी स्थिति आई कि एक व्यक्ति बाहर से आ गया। उसने क्या कहा, भाई साहब, जो आपके यहाँ का कपड़ा है ना, बहुत महंगा देता है आपके गांव वाला, आप हमारा कपड़ा पहनो, आपके यहाँ का जो कपड़ा है वो 100 रुपए मीटर दे रहा है, ठीक है, मैं आपको जो कपड़ा दूंगा वो केवल 60 रुपए मीटर में दूंगा। आपने क्या कहा, ये तो ठीक रहा, अब तो मेरे पैसे बचने लगे, और आपने उसका कपड़ा खरीद लिया। अब जब आपने उस बाहर वाले व्यक्ति का कपड़ा खरीद लिया, तो आपके गांव में जो कपड़े वाला दुकानदार है, क्या उसकी दुकान चलेगी, नहीं चलेगी, क्या करेगा, आप स्वतः जानते हैं। इसी प्रकार से सब्जी उगाने वाला व्यक्ति जो था, तो बाहर से एक सब्जी लेकर के आ गया, बोला भाई साहब मेरी सब्जी खरीद लो, और मेरी सब्जी आप खरीदिए, मैं आपको सस्ती देता हूं, जो आपके गांव वाले की सब्जी है
वो दे रहा है 20 रुपया किलो, जो वो चीज मैं आपको 12 रुपए में दे रहा हूं, आप मेरी खरीदो। तो आपने कहा ये भी ठीक रहा, ये भी मुझे सस्ता मिल गया और अब मैंने बाहर वाले की सब्जी खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा भाई मेरा मंजन खरीद लो, आपके गांव वाला मंजन महंगा दे रहा है। आपने क्या किया, मंजन बाहर वाले का खरीद लिया। फिर क्या हुआ, जो बाहर से आया था धीरे धीरे करके उसने जो आपकी बाजार थी उस पर कब्जा किया। अब मुझे जरा एक बात बताओ, जब आपने सब्जी वाले की सब्जी खरीदना बंद कर दिया जो आपके गांव का व्यक्ति था, तो वो क्या करेगा, उसके पास काम नहीं बचा, वो क्या हो जाएगा, गरीब होगा, फिर चोरी करेगा। तो जो गरीबी चोरी और बेरोजगारी, ये कहां से जन्म, इसने कहां से जन्म लिया, आपने एक छोटा सा सामान बाहर से खरीदना शुरू किया, जिसके कारण आपके देश या गांव के जो लोग थे उनका व्यापार खत्म हुआ और यह समस्याएं उत्पन्न हुई। आपके अंदर थोड़ी सी जागृति आई, कुछ लोग जगाने वाले होते हैं, आपको जगाया गया कि भाई साहब आपने ऐसा किया जिसके कारण यह समस्याएं उत्पन्न हुई। आपने क्या किया कि भाई संकल्प लिया कि आज से ही मैं बाहर वाले का कपड़ा नहीं खरीदूंगा। आपने ये छोटा संकल्प लिया, फिर क्या होता है कि जो आपके गांव का व्यक्ति था, आपने कहा मैं उसी से लूंगा चाहे जितना मुझे महंगा दे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां रोकना चाहूंगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब धीरे धीरे करके कपड़े वाले की, मंजन वाले की, साबुन वाले की, है ना, सब्जी वाले की दुकानें बंद हुई, तो उसमें से कोई आपकी भी दुकान होगी, जरूर होगी। तो आपकी जो दुकान थी, जब सबकी दुकानें बंद हो गई, तो आपकी भी दुकान स्वाभाविक है बंद हो जाएगी, क्योंकि सबके पास काम था, आपके पास भी काम था। बाहर के लोगों ने कब्जा किया आपके बाजार पे, आपके गांव के लोगों का व्यापार खत्म हुआ और आपका भी व्यापार खत्म हो गया। जब हम बेरोजगार हो गए, गरीब हो गए, तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक है आप चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अपने आप को अमीर बनाने का प्लान बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे गलत तरीकों से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा व्यापार खत्म हो गया। अब हमें जागृति आई, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति है, आज से हमें अपने देश वाला वाले का जो कपड़ा है वो खरीदेंगे। तो कपड़ा आपने जैसे खरीदना शुरू किया, तो आपके गांव वाले या देश वाले जो कपड़े के व्यापारी थे उनका काम शुरू हो गया। उनका जब काम शुरू हो गया तो उसको रोजगार मिल गया, रोजगार मिल गया तो वो धनवान हो गया, जब वो धनवान हो गया तो चोरी भी नहीं करेगा, भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा। इसी प्रकार से दूसरी बार आपने दूसरा संकल्प लिया, आज से हम सब्जी बाहर वाले की नहीं खाएंगे, गांव वाले की खाएंगे। तो क्या हुआ, सब्जी वाले का व्यापार प्रारंभ हो गया, व्यक्ति सब्जी वाला अच्छा काम करने लगा, व्यापार चालू हो गया, बेरोजगारी खत्म हुई, गरीबी खत्म हुई, भ्रष्टाचार भी वो खत्म होगा वहां से। तो इस प्रकार से ये आपने समझा, धीरे धीरे करके आपने इसी प्रकार से साबुन वाले का, मंजन वाले का, धीरे धीरे करके आपने संकल्प करके अपने देश की, अपने गांव के लोगों, यानी आपके गांव के लोगों का जो सामान है उसको आपने खरीदना शुरू किया। तो गांव के लोगों का जो व्यापार था वह प्रारंभ हो गया, उनकी बेरोजगारी खत्म हुई, उनकी गरीबी खत्म हुई। तो मुझे एक बात ये बताओ, जब सभी की गरीबी खत्म हुई, सभी का अपना धंधा था, सबका अपना धंधा चलने लगा, तो आपका भी अपना धंधा, आपका भी अपना व्यापार चलने लगेगा स्वाभाविक रूप से। जब सबने संकल्प लिया तो हमारी भी कोई दुकान थी, तो लोगों ने भी संकल्प लिया तो हमारी भी दुकान चलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके गांव के लोगों की जो दुकानें थी, जो व्यापार था, वो चलने लगा और आपके गांव से, आपके देश से गरीबी खत्म हुई। तो यह गरीबी, चोरी और बेरोजगारी ने जन्म कहां से लिया था, हमने बाहर से सामान उपयोग किया था, इसलिए धीरे धीरे करके हमने अपने देश का सामान खरीदना शुरू किया। तो लोगों ने जब अपने देश का खरीदना शुरू किया तो फिर धीरे धीरे करके सबका व्यापार शुरू हो गया। फिर आपके देश की जो सबसे बड़ी 3 समस्याएं, बेरोजगारी खत्म हो गई क्योंकि आपका धंधा शुरू हो गया, चोरी खत्म हो जाएगी क्योंकि आप अपना व्यापार कर रहे हैं, कब करेंगे आप चोरी और क्यों करेंगे आप चोरी, और बेरोजगारी। तो चोरी, बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने का सबसे उत्तम तरीका है स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ। तो इस प्रकार से आपके अंदर जागृति आई और आपने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया और ये जो 3 समस्याएं हैं इनको आपने खत्म किया।
तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा स्वदेशी हमें क्यों अपनाना चाहिए। तो इसलिए हम जब स्वदेशी का उपयोग करेंगे तो ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो मित्रों आप भी आज से संकल्प लें कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करना है। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्ते जी।